नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। आइस स्केटिंग करने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। शिमला के लक्कड़ बाजार में एशिया के पहले ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग में बर्फ जमने लगी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दिए गए हैं। 10 दिसंबर तक रिंग गेम्स के लिए तैयार हो जाएगा। 12 दिसंबर से विंटर गेम्स शुरू हो जाएंगी जो फरवरी तक चलेंगी। आइस स्केटिंग रिंग की खास बात है कि इसमें प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है। आइस जमने का यह प्रोसेस रात से सुबह के बीच चलता है। बता दें कि पानी की 3 लेयर बर्फ जमाने के लिए बिछाई जाती है। इसके लिए टेम्परेचर का माइनस में जाना जरूरी है। इस समय शिमला का तापमान बर्फ जमाने के लिए बिल्कुल सही है। आइस स्केटिंग रिंग के MD मनप्रीत सिंह सैम्बी का कहना है कि फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। 18 साल से ऊपर के खिलाड़ियों को 3,000 रुपए पूरे सीजन के देने होंगे, जिसमें स्केट्स के 1500 अलग से चार्ज किए जाएंगे। कपल मेंबर्स के लिए 3500 फीस रखी गई है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 1800 पूरे सीजन के चुकाने होंगे। आइस स्केटिंग रिंग के पिछली बार सुबह शाम दोनों शिफ्ट मिलाकर 76 सेशन हुए थे, जिसमें 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मनप्रीत का कहना है कि इस बार और ज्यादा खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। आइस स्केटिंग का शौक सबसे ज्यादा बच्चों में होता है। विंटर गेम्स के लिए शिमला के स्थानीय लोगों के अलावा टूरिस्ट भी आते हैं। जब से लक्कड़ बाजार में आइस स्केटिंग शुरू हुई है, इस जगह को अलग पहचान मिली है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।